90% तुम्हारा भाई ये सोच के बैठा हुआ था कि पहले स्टोरी सुनाऊंगा फिर अटेंशन ग्रैब हो जाएगी, लेकिन वो 10% दिल अटका हुआ था, नहीं भाई साहब ये शॉर्ट्स बहुत जरूरी है। Remember the night that we met, back at the party you sat on the bed. You said I'm talented, you said I'm next. My only talent is making you stressed. I know that I'm not at my best, lately I'm feeling like less. I hope that I see you again, if I don't then I'll lay at the rest. It's crazy how it goes, left me all alone. I've been trying to move on, all I find a hole. Searching for a pot of gold, don't know if I'll ever know how she left me. तो तुम ये शॉर्ट्स पूरे देखो ना देखो, पर स्टोरी पूरी जरूर सुनना। मैं बचपन से ऐसा बाइक्स के बारे में सुपर क्रेजी नहीं था, जैसे बचपन में सबको सुपर स्पोर्ट्स कार सुपर स्पोर्ट्स बाइक अच्छी लगती है, ऐसे ही मुझे भी सुपर स्पोर्ट्स बाइक बहुत अच्छी लगती थी। और मैंने जितने भी लोगों को ये बताया उन्होंने या तो मेरा मजाक बनाया डराया धमकाया या फिर कह दिया बहुत महंगा शौक है फालतू पैसे उड़ा रहे हो, पर जनरली सभी लोगों ने मजाक ही बनाया और इस मजाक ने मेरे शौक को मेरे जुनून में कन्वर्ट कर दिया। मुझे बहुत विविडली याद है रात को सोने से पहले आखिरी ख्वाब और सुबह उठने का पहला ख्याल मेरा बाइक के बारे में ही होता था, और मुझे पता था अगर मैंने ये बाइक ले ली तो दिस विल ब्रिंग मी अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, मुझे इसके बाद जिंदगी में कोई और खुशी नहीं चाहिए। एंड फिर फाइनली ऑन 11th of August आई हैव ब्रॉट माय सेल्फ अ यामा R15 T4। वेट कर रहे हैं बाइक्स की डिटेलिंग देने के लिए, चलें। तो शुरू से शुरू करते हैं इस बाइक के बारे में। ये है यामा R15 B4। तो भाई बाइक है अपनी 18.4 bhp की विद 14.2 Nm ऑफ टॉर्क। आई पर्सनली चूज मैट ब्लैक कलर बिकॉज इट मेक्स माई सोल लेस डार्कर। सामने एक प्रोजेक्टर है, इसको आप हल्के में ना लें क्योंकि रात में ये बहुत हैवी आता है। और साइड में 2 DRLs, तो मानो या ना मानो इन्हें देख के सच में कुछ कुछ होता है। पीछे टेल टाइडी और मड गार्ड तो तुम्हारे भाई ने शोरूम से निकलने से पहले ही हटवा दिया था क्योंकि मड इज टेम्परेरी बट स्वैग इज परमानेंट। तो हेलमेट के बारे में बात कर लेते हैं, हेलमेट बहुत जरूरी है भाई अपने पास। सुंदर विद क्रोम वाइजर, क्रोम वाइजर होने के 2 फायदे हैं, रात में आप और दिन में आप बड़े हरामी लगोगे, लेकिन वो मौत ही क्या जैसे आप हरामी बस एक घूम के नहीं लगो और कल को मर जाओ। उसके लिए ये वाला वाइजर आता है, रात में आप ये पहन के लगाएं और जितना भी छोरे बाजी करनी है वो आप दिन में इसको लगा कर करें। इसमें स्वैग बहुत आता है, मजा बहुत आती है, अंदर आखिर बैठा कौन है लेकिन इसमें आंखें दिखाई देती हैं। मैं तो यही प्रेफर करता हूँ अब रात को भी क्योंकि आदत हो गई है चला चला के, लेकिन अगर गलती से रात को स्ट्रीट लाइट चली जाए तो भाई साहब मौत का फरमान पहले आसमान पे आ जाता है। बाइक लेने के बाद मुझे लग रहा था वो खुशी अब आएगी, जिस खुशी का मैं पिछले 3 साल से इंतजार कर रहा था वो अब आएगी। This will bring me a lot of happiness. लेकिन वो मेरी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अपोजिट था। Don't get me wrong, it brings me a lot of happiness. 0 to 100 in less than 10 seconds is a hell lot of fun. लेकिन ये इतनी खुशी नहीं थी जितनी मैंने एक्सेप्ट करी थी, नॉट इवन क्लोजर। लेकिन फिर भी अभी तक मैंने अपने बाइक लेने के डिसीजन को रिग्रेट नहीं किया, बिकॉज इट टॉट मी अ वेरी वैल्यूएबल लेसन एंड दैट्स व्हाई आई वांट टू शेयर दिस स्टोरी विद यू। फ्रॉम नाउ आई विल नेवर फाइंड हैप्पीनेस इन अ मटेरियल पोजीशन थिंग्स। इफ यू वांट टू फाइंड हैप्पीनेस फाइंड इन द पीपल अराउंड यू, द ट्रैवलिंग, और इफ यू आर लकी इनफ द वर्क यू डू। तो मोरल ऑफ द स्टोरी है, नया फोन नई गाड़ी नया कैमरा माइट गिव यू अ लिटिल हैप्पीनेस, बट The idea of having something is always better than the thing itself. That is what I have learned. So, abhi ke liye itna hi. I hope you like this video. Aur
अभी कुछ दिनों में मैंने जितना भी मजे किया उसके कुछ छोटे मोटे शॉर्ट्स लिए थे, और इंग्लिश में बोले तो वो खुद ही बोल दी। You want some more of this, bitch? Back in the AC, we could do this all year long. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. I told you in the first song, I'll tell you in another. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. I don't have a girlfriend, my hand's my only lover. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. One night a week, my mom likes to cook me supper. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. And Michael Keaton was my favorite Batman. I was walking down the street just the other day. I saw these two fine bitches, they were walking my way. Yo, what you girls doing tonight is what I wanted to say. But suddenly I panicked, my voice started to shake. So I put my head down and I just walked away. I had a bus to catch anyway, it worked out great. Got on the bus, put my headphones on and pressed play. Sheryl Crow, James Blunt, and motherfucking Ace of Base. Yo, what